नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर। बता दें कि कथित शराब घोटाले मामले में आज मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है और उसी स्टेटस रिपोर्ट पर आज अदालत सुनवाई करेगी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने बीते 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई आबकारी नीति में करोड़ों का घोटाला हुआ है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप ईडी और सीबीआई द्वारा लगाए गए हैं। बता दें कि शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक सिसोदिया को इस मामले में राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। सिसोदिया का कहना है कि वे बेकसूर हैं और उन्हें एक फर्जी मामले में फंसाया गया। वहीं ईडी ने साफ तौर पर कहा कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई अलग अलग धाराओं में छानबीन कर रही है और ऐसे में देखना होगा कि आज सीबीआई आखिरकार स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल की गई है सीबीआई की तरफ से, उसे लेकर अदालत क्या अहम फैसला सुनाता है। कि आज मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।